good morning class 7 children how are you all i hope you all are fit and fine and children hope all of you have enjoyed the holidays okay so then today we will start a new chapter from the book of hindi vakran parichay and chapter name is kal kal in english we say tense okay then now come to the chapter सिक्सटीन, कम टू द चैप्टर सिक्सटीन देन चिल्ड्रेन कम टू देज नंबर सिक्सटीन तो बच्चों आइए हम लोग समझते हैं कि काल क्या है काल किसे कहते हैं काल के कितने भेद होते हैं ओके जैसे कि हम देख सकते हैं पढ़िए और समझिए कल मेरे चाचा जी आए थे मैं अपने चाचा जी के साथ बाजार जा रहा हूँ वहां मैं फुटबॉल खरीदूंगा ठीक है उपयुक्त वाक्य में क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है जैसे आए थे जा रहा हूँ खरीदूंगा आए थे थे है मतलब भूतकाल कल मेरे चाचा आए थे मैं अपने चाचा के साथ बाजार जा रहा हूँ जा रहा हूँ मतलब ये ये जो काम है ये अभी हो रहा है ठीक है खरीदूंगा ये काम जो है कुछ देर बाद होगा ठीक है ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय का बोध कर रही हैं इनसे क्रिया के समय का पता चल रहा है इसी को काल कहते हैं परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं ठीक है काल के भेद काल के कितने भेद होते हैं काल के तीन भेद होते हैं भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तो फर्स्ट हम देखते हैं भूतकाल का डिफिनेशन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं मतलब जो काम हो चुका होता है उसका बोध होता हो उसे कहते हैं भूतकाल जैसे लड़का पढ़ता था वो भी पढ़ने रहा, पढ़ता था वो ये जो समय है वो बीत चुका होता है विद्यालय मैं विद्यालय गया था इसमें क्या आपका समय जो क्या शो कर रहा है इस सेंटेंस से कि यह जो समय है वह समय बीत चुका है ठीक है इसे पता चले उपयुक्त वाक्यों में क्रिया पड़ता था गया था बताते हैं कि क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भूतकाल के भेद कितने होते हैं भूतकाल के मुख्य रूप से छह भेद होते हैं तो पहला है इसमें से सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से पूरे होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं जैसे माँ ने खाना दिया यह सामान्य रूप से है लड़कों ने पाठ पढ़ा नेक्स्ट हमारा आसन्न भूतकाल जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया ठीक है रमन अभी खेल कर आया है लड़की विद्यालय से आई है इसे क्या पता चल रहा है कि यह क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हुई उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल नेक्स्ट है हमारा पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले भूतकाल में पूरा होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं जैसे मैं घूमने गई थी लड़के ने पत्र लिखा था नेक्स्ट हमारा अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर यह पता नहीं चलता है कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं जैसे लड़के खेल रहे थे वह पढ़ रहा था मतलब इससे पता चल रहा है कि क्रिया जो है भूतकाल में हुई थी लेकिन कार्य लड़के पढ़ रहे थे उन्होंने कंप्लीट अपनी पढ़ाई की कि नहीं की यह पता नहीं है मुझे लड़के खेल रहे थे मतलब इससे पता नहीं चल रहा क्रिया तो समाप्त भूतकाल में हुई है या हो रही थी क्रिया जो है वह भूतकाल में हुई थी लेकिन यह पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण है ठीक है तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल अब हमारा फिफ्थ नंबर संदिग्ध भूतकाल जिस काम के बीते हुए समय में होने में संदेह हो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है जैसे वह घर गया होगा गाड़ी आई होगी मतलब यहाँ आपका संदिग्ध है संदेह है जहाँ पे जिस भूतकाल में संदेह होता है उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल अब हम देखते हैं सिक्स नंबर यहाँ मिस्टिक प्रिंटिंग है फोर्थ लिखा हुआ लेकिन ये आपका सिक्स नंबर है अब हेतु हेतु मध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल के किसी अन्य क्रिया पर आधारित होने का बोध हो उसे हेतु हेतु मध भूतकाल कहते हैं जैसे मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो काम भूतकाल में किसी अन्य पर आधारित होने का बोध हो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती ओके बच्चों आज हम यहीं तक पर मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको काल के जो दो भेद हैं उसे डिटेल में पढ़ाऊंगी थैंक यू